सलाह दे चुका हूं, दोहरा देता हूं रिकॉर्ड के लिए। केस तहरीक को पेश करना अपोजिशन का हक है और इसका दिफा करना मेरा फर्ज है। हम आईनी, सियासी और जमहूरी अंदाज में इसका मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। आज एक और चीज रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं और कौम को गवाह बनाना चाहता हूं कि आइन शिफनी लगभग नजर रखा रहे न होगा। आइन का एहतराम हम सब पर लाजिम है और जैसे कि वजीर आजम पाकिस्तान ने कब कौम से खिताब करते हुए कहा कि बहुत दिल के साथ मायूस है लेकिन सर हम तस्लीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरे करते हैं। जनाब वाला पाकिस्तान की तारीख आइन शिफनी से भरी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस बदकिस्मती से हमारी तारीख का हिस्सा रही है। जनाब स्पीकर मैं तारीख में जाने का इतना वक्त तो नहीं है लेकिन जो हालिया एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई मैं उसका हवाला देना चाहूंगा और कौन इस बात से गवाह है कि 12 अक्टूबर 1999 में आइन शिफनी हुई और कौन इस बात की गवाह है कि जब आला अदलिया के सामने वो केस गया पीसीओ जजेज ये वो जो तारीख मिलाने का वक्त नहीं है तो हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि न सिर्फ जस्टिफिकेशन तलाश की गई बल्कि जो प्रेम मांगी ही नहीं गई थी आईन में तरमीम की इजाजत भी दे दी गई। ये हमारी तारीख का हिस्सा है और तौर इस बात की गवाह है। जनाब वाला मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अदलिया के फैसले से पहले अभी मसला सुदृढ़ था, जेरे गौर था, अदालत उज़्मा के सामने था, इन दोनों शख्सियात ने बयान दिए कि कोई नजरिया जरूरत का फैसला हम कबूल नहीं करेंगे। ये इनका बयान है, रिकॉर्ड पर है। भारतों डॉक्टर प्रशासन जी को दफन होना चाहिए था और मैं खुश हूं कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जमहूरियत ने इवॉल्व किया है, पाकिस्तान की जमहूरियत ने इवॉल्व किया है कि आज हम सब डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी का सहारा लेने को तैयार नहीं है। जनाब स्पीकर मैं आज कहना चाहूंगा इमरान खान साहब ने कल कहा और उनकी इजाजत से मैं आज बसीयत पार्टी के वाइस चेयरमैन की और बसीयत डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर की उनका मौके पेश करना चाह रहा हूं, तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। तारीख के लिए तारीख के आंख आज रकम हो रही है और तारीख के लिए मैं रिकॉर्ड बनाना चाह रहा हूं कि मेरा वजीर आजम कहता है कि मायूस हूं लेकिन आला अदलिया का एहतराम करूंगा। मेरा वजीर आजम कहता है कि जो अदलिया ने फैसला किया कि बरोज हफ्ता 10:30 इजलास बुलाया जाएगा और कायदे हिजब इख्तलाफ ने अभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे नुकता उठाया और कहा कि आप पाबंद हैं, जिसकी आपने वजाहत कर दी कि आप पाबंद हैं कि आपने आज ये अदलिया के फैसले के मुताबिक इजलास की कार्रवाई को आपने आगे बढ़ाना है। जनाबे वाला उसी के उस फैसले के मुताबिक ही कार्रवाई बढ़ाई जा रही है। हफ्ता है 10:30 इजलास का आगाज हो चुका है। आपने देखा कि अदलिया ने फरमाया कि यह इजलास जारी रहेगा
और प्रयोग नहीं होगा ताबकते के, वो सारा जो प्रोसेस है आर्टिकल 95 रूल 37 का अपने हक में अंजाम को नहीं पहुंच जाता। जनाबे वाला, हम उसको उसकी पासदारी के लिए यहां हाजिर हुए हैं, लेकिन मैं जवान के हिब्बत में वो पस मंजर पेश करना चाहूंगा जिसने आज इस इजलास को इस शक्ल में दोबारा करने की आपको हुक्म सादर फरमाया और हमें ताबे किया। जनाबे वाला, आज अदलिया के फैसले के मुताबिक घड़ी वापस की गई और आज उनकी नजर में, उस फैसले की नजर में आज 3 अप्रैल है। आज 3 अप्रैल है और 3 अप्रैल में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, दोहराना नहीं चाहता, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। उसका अदलिया ने 100 वोटों नोटिस लिया। जनाबे वाला, मैं जानता हूं कि बरोज इतवार दफाते खोले गए, इजलास मुनक़िद हुआ और कार्रवाई का आगाज हुआ है और फिर उसने इस ऑर्डर की शक्ल में अपना फैसला सादर फरमा दिया। उसमें उन्होंने मुत्तफिक का तौर पर रूलिंग को मुस्तरद किया और हमारी नजर में जो वजीर आजम ने कौम के सामने जाने का फैसला किया था डिसोल्यूशन के जरिए, जिसका मुकाबला हमारी ऑपोजिशन तकरीबन 4.5 साल से कर रही है, 4.5 साल से कर रही है और नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, तो उन्होंने कहा कौम को इस आजमाइश से निकालने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से कौम को महफूज करने के लिए आइए अवाम के सामने चलते हैं, आइए अवाम की दहलीज पर दस्तक देते हैं और पाकिस्तान के अवाम फैसला करे कि वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल किन हाथों में देखना चाहते हैं। जनाबे वाला, उसका जो भी फैसला आया वो भी हम तस्लीम करते हैं। मैं अर्ज करता चलूं कि अदलिया के फैसले को हमने तस्लीम कर लिया, लेकिन जनाबे वाला अदलिया में गए क्यों, हमारे दोस्त क्यों गए, जॉइंट ऑपोजिशन क्यों गई और सुओ मोटो नोटिस क्यों लिया गया, उसका बैकग्राउंड है, उसका एक पस मंजर है और वो पस मंजर जरूरी है, तारीख के लिए जरूरी है कि उसका बिल्कुल अहाता किया जाए। जनाबे वाला, यहां जब डिप्टी स्पीकर चेयर कर रहे थे तो उन्होंने जो रूलिंग दी जिन पर दोस्तों का एतराज था और अदलिया का फैसला है, उसमें उन्होंने कहा ये इनकार नहीं किया, इस आईनी प्रोसेस से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है, एक नई सूरत हाल मेरे सामने आई है और उस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि जहां एक बैरूनी साजिश की बात हो रही है तो इसका प्रयोग होना जरूरी है, ये उन्होंने कहा। और जनाबे वाला,